Hi everyone, welcome to our YouTube channel The Ultimate Goal. इस वीडियो के अंदर हम वेस्ट बंगाल सेट 2020 के जो ज्योग्राफी पेपर है उसका क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका आंसर की देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और इस वीडियो के अंदर हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, द सोशल थ्योरी दैट अपीयर्ड एज द सीक्वल टू बिहेवियरलिज्म इज, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गेम थ्योरी। ओके, ये जो गेम थ्योरी है ना, ये डिसीशन मेकिंग के साथ रिलेटेड है, इसी के लिए ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज प्री कंडीशन ऑफ प्री इंडस्ट्रियल अर्बन ग्रोथ। ओके, तो प्री इंडस्ट्रियल अर्बन ग्रोथ की जो प्री कंडीशन है सारी, तो ये यहाँ पर बहुत सारी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन में है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वाला है पॉपुलेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। और डी वाला जो ऑप्शन है पॉपुलेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखो, प्री इंडस्ट्रियल अर्बन ग्रोथ के बारे में बात हो रहा है, तो तब क्या थी, तो एक जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, इसी के लिए यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन में टेक्नोलॉजी है, ये जो डी है यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो डी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ साइड दो साइड में अरेंज करने दिया हुआ है। देखो, बाय साइड में है जनरल, एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, ऑर्डर, रैशनल, और राइट साइड में है इमोशनल, कॉम्प्लेक्सिसिटी, पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन और सब्जेक्टिविटी। तो जनरल हम जानते हैं, जनरल क्या होती है, जनरल होती है सब्जेक्टिविटी। ओके, तो जनरल जाएगी सब्जेक्टिविटी के साथ। ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, एक्सप्लेनेशन होगी, ये जो इंटरप्रिटेशन है ए, जो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी देखो जनरल होती है सब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर होगी ऑब्जेक्टिविटी। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर होगी कॉम्प्लेक्सिटी, और जो देखो जो रैशनल है, रैशनल होगी जो इमोशनल है ए, तो इसका जो मैचिंग करके जो आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेट ड्राइविंग फोर्स इज कंसीडर्ड टू बी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लेट ड्राइविंग फोर्स होती है वो क्या है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है स्लैब पुल फोर्स। ओके, तो ये क्या फोर्स होती है, जो सबडक्शन जोन है ना, दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आती है तब क्या होती है, जो हेवी प्लेट है ना वो क्या करती है, जो लाइट प्लेट है उसके नीचे सबडक्शन जोन बराबर वो चले जाते हैं। तो ये जो सबडक्शन जोन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है ना, इस फोर्स को बोला जाता है स्लैब पुल फोर्स। तो इसके कारण क्या होती है, सबडक्शन जोन बराबर जो प्लेट है वो बहुत ही फास्ट मूव करती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगी वो है ऑप्शन बी, स्लैब पुल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइव वाला जो क्वेश्चन है, जियोस्ट्रॉपिक विंड इज ओरिजिनेटेड व्हेन, तो जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है वो कब ओरिजिन होती है उसका। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है, फोर ऑप्शन यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होती है वो कोरिओलिस फोर्स की इक्वल है, एक है। बी जो होती है, दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस होता है और साथ साथ दो ऑपोजिट डायरेक्शन पर काम करती है। और सी वाला जो ऑप्शन है, देखो ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल होती है, बैलेंस्ड होती है, और ये एक साथ मिल के काम करती है। और देखो डी वाला जो ऑप्शन है, डाइवर्जेंस इन इज इक्वल टू कन्वर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस जो होती है वो कन्वर्जेंस की इक्वल होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरिओलिस फोर्स जो है ये दोनों बैलेंस्ड होता है, मतलब इक्वल होता है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पर काम करती है। देखो जो अपर एटमोस्फियर होती है ना, वहाँ पर क्या होती है, देखो ये है आइसोबार लाइन। ओके, तो ये जो आइसोबार लाइन है, दोनों आइसोबार लाइन के बीच में क्या होती है, दो फोर्स काम करती है। एक यहाँ पर एक फोर्स काम करती है वो है देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और यहाँ पर जो काम करती है कोरिओलिस फोर्स, और दोनों इस ऑपोजिट डायरेक्शन पर काम करती है। और ये जो है इसके थ्रू क्या होती है, ये जो आइसोबार लाइन है इसकी पैरेलली एक विंड जो है वो फ्लो करती है, इस विंड को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सिक्स वाला जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर कन्फर्म्स टू द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ, तो लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर क्या है, ये जो है एक कौन सी मैथमेटिकल मॉडल, जो यहाँ पर देखो फोर दिया हुआ है, तो कौन सी मैथमेटिकल मॉडल के अंदर ये आती है। तो लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर क्या है, देखो हायर ऑर्डर में, मतलब जो हम करते हैं ना स्ट्रीम ऑर्डर करते हैं ना, जो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम, सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम, थर्ड ऑर्डर स्ट्रीम, फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम, तो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम जो है उसका नंबर बहुत ज़्यादा होती है, उसका काम होता है सेकंड ऑर्डर, और सबसे ज़्यादा जब हायर ऑर्डर होती है ना तब स्ट्रीम की नंबरिंग क्या होती है, कम होती है। तो इसी के लिए ये जो मॉडल है ना, ये कौन सी मॉडल होती है, देखो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन ये होती है। ओके, तो जब हम इसका लॉ ऑफ स्ट्रीम नंबर निकालेंगे ना, तो क्या हम करते हैं, जो देखो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो स्ट्रीम नंबर है और सेकंड ऑर्डर वाला जो स्ट्रीम नंबर है, इसको डिवाइड करके इसका फ्रैक्शन निकाला जाता है, तो ये क्या होती है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड क्वाइट क्लोज टू द मार्केट एज पर वॉन थुनेन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन। तो हम जानते हैं कि वॉन थुनेन की जो एग्रीकल्चर लोकेशन की जो मॉडल है, उन्होंने एक मार्केट को घेर के चार ही साइड में ऐसे राउंड शेप में जो सारे क्या क्या चीज़ वहाँ पर होगी ऐसे दिखाया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एकदम मार्केट के पास कौन सी जो फार्मिंग है वो होगी, तो यहाँ पर आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। देखो डेयरिंग एंड मार्केट गार्डनिंग जो है ये एकदम मार्केट की पास होगी, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बहुत जल्दी इसको बाजार में ले जाना पड़ती है, तो इसी के लिए एकदम बाजार की पास में डेयरिंग और मार्केटिंग गार्डनिंग जो है ये होगी। नेक्स्ट एट वाला क्वेश्चन देखो, द रिमलैंड थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई हुम एमंग द फॉलोइंग। तो रिमलैंड थ्योरी जो है ये किसने दी थी, तो एक देखो रिमलैंड थ्योरी क्या है, दो थ्योरी है पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसके अंदर, एक तो है हार्टलैंड थ्योरी और दूसरा है रिमलैंड थ्योरी। तो रिमलैंड थ्योरी के अनुसार या रिमलैंड मतलब जो कोस्टल एरिया है उसको जो कंट्रोल करेगा वही सोवियत यूनियन जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये जो रिमलैंड थ्योरी है इसको किसने दी थी, इसको ये जो निकोलस स्पाइकमैन है, इन्होंने रिमलैंड थ्योरी को दी थी। नेक्स्ट नाइन वाला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ग्लोबल रेट ऑफ सी लेवल राइज एज प्रेजेंट इज अबाउट। तो ग्लोबल जो सी लेवल राइज हो रहा है उसका एवरेज ग्लोबल रेट कितना है एट प्रेजेंट। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3.3 मिलीमीटर पर ईयर। ओके, तो पर ईयर में देखो 0.13 इंच या फिर 3.4 या फिर 3.3 मिलीमीटर पर ईयर ये जो सी लेवल राइज है वो एवरेज ग्लोबल रेट में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 वाला जो क्वेश्चन है, सिंगल्स आर द वाटर ऑन राउंड स्टोन यूजली एसोसिएटेड विथ, ये जो है एक स्टोन होती है, एक राउंड शेप का एक स्टोन होती है, तो एक कौन सी प्रोसेस की थ्रू ये प्रिपेयर होती है। तो ये देखो ये क्या है, यहाँ पर फोर ऑप्शन है, फ्लूबियल प्रोसेस, ग्लेशियल प्रोसेस, एवोलियन प्रोसेस और मेरिन प्रोसेस। तो ये किसके कारण होती है, देखो कोस्टल एरिया के अंदर जो वेव है ना, वेव के कारण ये होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगी वो है ऑप्शन डी, मेरिन प्रोसेस के थ्रू ये होती है। नेक्स्ट 11 वाला क्वेश्चन देखो, द टर्म पेडोकल्स एंड पेडोल्फर वॉज फर्स्ट प्रोपोज बाय। तो जो सॉइल के अंदर पेडोकल सॉइल और पेडोल्फर सॉइल हम बोलते हैं ना, तो वो जो पेडोकल और पेडोल्फर जो टर्म है इसको किसने यूज की थी। तो ये 11 वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्बर्ट ने ये दोनों टर्म को यूज की थी। नेक्स्ट 12 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसीडर्ड एज द सेग्रीगेटेड सेट ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्टर ऑफ एन इवेंट। ओके, तो एक इवेंट के अंदर बहुत सारी जो फैक्टर होती है उसका अंदर जो सारे रिलेशनशिप है वो कौन सी मेथड के अंदर हम बहुत ही अच्छे से दिखा सकती है। तो यहाँ पर देखो फ्लो एनालिसिस है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, वेटेड इंडेक्स है और ग्रेविटी एनालिसिस है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। यहाँ पर क्या किया जाता है, सारे जो कंपोनेंट है मतलब जो सारे लार्ज सेट होती है ना उसको फर्स्ट स्मॉल सेट में लाया जाता है, उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, सारे कंपोनेंट जो है उसको अलग अलग करके वहाँ से कुछ कंपोनेंट को चूज किया जाता है और उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। तो 12 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन देखो, द थ्योरी ऑफ मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल इज कंडीशन्ड बाय। तो जो
मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल थ्योरी होती है, उसका कंडीशन क्या क्या है। देखो यहाँ पर फोर ऑप्शन है, यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए रीजियन। बी वाला है बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए रीजियन। सी वाला है पॉपुलेशन ग्रोथ, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। और डी वाला है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड कैपिटल फ्लो। तो यहाँ पर जो आंसर होगी, जो पॉपुलेशन ग्रोथ, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पर आंसर होगी। ये जो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल है ना, यहाँ पर थ्री पीरियड के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है वो डिस्कस किया गया। एक तो है प्री इंडस्ट्रियल, और एक है इंडस्ट्रियल, और एक जो तीसरा वाला है वो है पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो वैसे इस टाइम के अंदर कैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का चेंज कैसा हो रहा है, तो ये सारी कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो 13 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। 14 वाला क्वेश्चन देखो, कंपेयर टू ट्रू डीप, द वैल्यू ऑफ अपेरेंट डीप ऑफ ए सेडिमेंट्री स्ट्रेटम इज। तो अगर हम ट्रू डीप से कंपेयर करें तो अपेरेंट डीप की वैल्यू हमेशा क्या होगी। देखो फोर ऑप्शन क्या क्या है, आइदर हायर और लोअर, बड़ा हो सकती है, छोटा हो सकती है। देखो बी वाला है ऑलवेज हायर, हमेशा हायर होगी। सी वाला है हमेशा लोअर होगी। और डी वाला जो है डिफरेंट बाई 90 डिग्री इन स्टैक डायरेक्शन, टाइप डायरेक्शन से 90 डिग्री डिफरेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 14 वाला क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, ऑलवेज लोअर होगी। ओके, क्योंकि देखो जो ट्रू डीप होता है ना कुछ भी सेडिमेंट्री स्टेटम का, तो ट्रू डीप सबसे ज़्यादा डीप होती है, मैक्सिमम डीप होती है। तो अपेरेंट डीप जो है हमेशा उससे कम होगी। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑलवेज लोअर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखो 15 वाला जो क्वेश्चन है, डार्विनिज्म इन सोशल इकोलॉजी वॉज फर्स्ट अपील्ड बाय। तो यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन में दिया गया कि सोशल इकोलॉजी के अंदर जो डार्विनिज्म है इसको फर्स्ट किसने अपील्ड किया है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस 15 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, यहाँ पर एक चीज आपको जानना है कि ये जो डार्विनिज्म जो टर्म है ना, टर्म को दी थी ये जो हुक्सली है ना, TH हुक्सली, इन्होंने डार्विनिज्म टर्म को फर्स्ट यूज की थी और इसको फर्स्ट अप्लाई की थी, ये है हार्वर्ड स्पेंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 16 वाला क्वेश्चन देखो, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ गार्डन सिटी। तो गार्डन सिटी की जो आइडिया है इसको किसने दी थी। तो 16 वाला जो क्वेश्चन है, 16 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, एवेंजर होवर्ड जो है, इन्होंने जो गार्डन सिटी है, गार्डन सिटी का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दी थी। तो गार्डन सिटी क्या है, गार्डन सिटी जो होती है एक देखो डिजाइन सिटी है जिसके अंदर हेल्दी लिविंग और इंडस्ट्री के बारे में सोचा गया। और ये जो है इसका सराउंडिंग एरिया में रूरल एरिया होगी और ग्रीन बेल्ट जो है ये होगी। तो ये जो गार्डन सिटी है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी एवेंजर होवर्ड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 वाला जो क्वेश्चन है, 17 वाला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द टर्म जियोपाइटी वाज कॉइन्ड बाय हुम। ये जो जियोपाइटी टर्म है इसको किसने दी थी। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जे के राइट जो है इन्होंने ये जो जियोपाइटी टर्म है इसको दी थी। नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन देखो, एज पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, फर्स्ट वाला देखो, जुलाई इज द रेनिएस्ट मंथ इन इंडिया। तो जुलाई जो है सबसे ज़्यादा रेन इस मंथ पर होती है इंडिया के अंदर, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो उसके बाद देखो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है, विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून एंड सिटी इन ऑफ विंटर मानसून टेक प्लेस इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर। तो साउथ वेस्ट मानसून जब निकलती है और जो विंटर मानसून स्टार्ट हो जाती है तो तब कब होती है, जो मिडिल ऑफ अक्टूबर है तब होती है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद में देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, द साउथ वेस्ट मानसून यूजली कवर्ड द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो जुलाई के एंड तक सारे कंट्री के अंदर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आ जाती है। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है, जून टू सेप्टेम्बर इज द नॉर्मल पीरियड ऑफ ऑकरेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो ये जो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसी के लिए ये जो 18 वाला क्वेश्चन है, 18 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, ये सारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following geological era is associated with the folding of
हिमालयन माउंटेन सिस्टम। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम हम जानते हैं यंग माउंटेन सिस्टम के अंदर पड़ती है ये। तो ये कौन सी जो ईरा है उसके अंदर ये तैयार हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ओके, तो सेनोजोइक ईरा जो है इसके अंदर जो बहुत सारे पीरियड है, देखो यसिन, मायोसिन, प्लियोसिन, ये सारी पीरियड के अंदर जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है इसका ओरिजिन हुई थी। तो यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन देखो, फॉर स्मॉल डिस्टेंस माइग्रेशन फीमेल माइग्रेशन ओवरटेक मेल ड्यू टू। तो अगर हम स्मॉल डिस्टेंस माइग्रेशन को देखेंगे तो मेल से ज़्यादा फीमेल माइग्रेशन होती है, तो किस कारण से ये होती है? देखो फर्स्ट ऑप्शन है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के कारण, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के कारण, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण, और पैट्रियार्चल स्ट्रक्चर जो होती है, जो पितृतांत्रिक जो हमारा सोसाइटी है उस स्ट्रक्चर के कारण। तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो है ये डी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके कारण क्या होती है, जो फीमेल है उसको शादी के बाद ससुराल में जाके रहना पड़ती है, तो इसके कारण ही स्मॉल डिस्टेंस माइग्रेशन फीमेल की ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 वाला क्वेश्चन देखो, इमेज फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ वेदर एलिमेंट। ओके, तो वेदर एलिमेंट के कौन सी यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेज है जो वेदर एलिमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है? तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिसोर्स सेट 1, बी वाला है इनसेट 1, सी वाला है मेटेरियल सेट, और डी वाला जो है वो है NOAA। तो यहाँ पर देखो ये जो इनसेट है, मेटेरियल सेट है और NOAA, ये तीनों जो है ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है, और ये हमेशा जो वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, और ए वाला जो है फर्स्ट ए वाला जो ऑप्शन है रिसोर्स सेट जो है ये क्या होती है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। इसको क्या कहते हैं, जो रिसोर्स है ना, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ए वाला स्टेट में जो सैटेलाइट इमेज है इसके थ्रू हमको वेदर एलिमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो 21 वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन ए रिसोर्स सेट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 वाला जो क्वेश्चन है, हु यूज ग्रैंड थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, जो ग्रैंड थ्योरी होती है, ग्रैंड थ्योरी मतलब देखो सबसे बड़ा एक थ्योरी है एक डिसिप्लिन के अंदर, उसको ग्रैंड थ्योरी बोला जाता है। तो ये जो ग्रैंड थ्योरी है इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी, देखो इसको फर्स्ट टाइम यूज की थी CW मिल्स। इन्होंने देखो CW मिल्स ने ये जो ग्रैंड थ्योरी है इसको यूज की थी फर्स्ट टाइम। तो 22 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 23 वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड। यहाँ पर देखो कुछ पेयर दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर देखो ये जो सेकेंड वाला है ना, बी वाला जो ऑप्शन है मेट्रोपॉलिटन एवोल्यूशन जो है बोर्डसर्ट है, ये पेयर जो है ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एवोल्यूशन जो है वो मामफोर्ड की है। तो इसी के लिए यहाँ पर जो आंसर होगी वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 24 वाला क्वेश्चन देखो, एस बी जोन्स व्यू ऑफ स्टेट वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। तो एस बी जोन्स की जो स्टेट की व्यू है वो किस आइडिया के ऊपर बेस करके है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ओके, मैकिंडर, गॉटमैन और जो है हार्टसोन, इस तीनों के ऊपर बेस करके इसका जो व्यू ऑफ स्टेट है वो है। ओके, नेक्स्ट 25 वाला क्वेश्चन देखो, द लुक्सुरियंट ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज ड्यू टू। तो हम जानते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर नेचुरल वेजिटेशन की बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ है वो होती है, वो किसके कारण होती है? देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला है द फर्टाइल सॉयल, बहुत अच्छा सॉयल के कारण। सेकेंड वाला है हॉट एंड वेट वेदर थ्रू आउट द ईयर। थर्ड वाला है द इंटेंस सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोर्थ वाला है सीजनल चेंज ऑफ फैसिलिटेटेड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो सॉयल तो वहाँ पर अच्छा नहीं होता है, और देखो जो ट्रॉपिकल रीजन होती है वहाँ पर तो सीजनल चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी के लिए यहाँ पर 1 और 4 वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं होगा, तो सिर्फ सेकेंड वाला स्टेटमेंट और थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही होगा। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट वीडियो सारे वीडियो के अंदर हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।